हेलो गाइस, दिस कुशागर, वेलकम टू कुशागर सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 4 इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स। आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स के बारे में, और ये पार्ट 2 है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे आई बटन पर क्लिक करिए और वहां से जाके देख लीजिए, राइट। अब तो इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कंपेन और पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन। फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। फिर हम पढ़ेंगे चैलेंज टू फ्री और फेयर इलेक्शन, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्शन कंपेन क्या है। सो इसमें क्या क्या कंपेन है इलेक्शन के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है जो इंदिरा गांधी थी वो क्या थी, कांग्रेस पार्टी की क्या थी, लीडर थी वो। अब इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, गरीबी हटाओ यानी कि रिमूव पॉवर्टी, उन्होंने ये कहा था। कब कहा था, 1971 में, जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे 1971 में, उन्होंने ये कहा था कि गरीबी हटाओ, पॉवर्टी रिमूव, यानी कि गरीबी हटाने के लिए उन्होंने कहा था, राइट। अब जो सेकंड कंपेन है वो क्या है, सेकंड है कि सेव डेमोक्रेसी। ये किसने कहा था, सेव डेमोक्रेसी, ये जनता पार्टी ने कहा था, जनता पार्टी। अब ये जनता पार्टी ने कब कहा था, ये कहा था लोकसभा के जब इलेक्शन चल रहे थे, कब, 1977 में, ठीक है, जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, जब इन्होंने जनता पार्टी ने कहा था कि सेफ डेमोक्रेसी, राइट। अब जो थर्ड है लैंड टू द टिलर, यानी कि इसमें कहा गया कि लैंड टू द टिलर। अब ये कहां कहा गया था, वेस्ट बंगाल में कहा गया था, और वेस्ट बंगाल की असेंबली में कहा गया था, और कब कहा गया था, 1977 में ही ये भी कहा गया था, राइट। अब इसके बाद आता है जो लास्ट है, वो है प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट टू द तेलुगुज। अब ये किसने कहा था, ये एंटी रामा राव। अब ये कौन थे, ये थे एंटी रामा राव, वो तो तेलुगु से डेमिस पार्टी से थे। तो इन्होंने कहा था कि, इन्होंने आंध्र प्रदेश की असेंबली में कहा था कि ये की प्रोटेक्ट, यानी कि प्रोटेक्ट करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो किसकी, सेल्फ रेस्पेक्ट को, किसकी, तेलुगु की, ठीक है, राइट, इन्होंने ये कहा था। अब इलेक्शन कंपेरिजन पता चल गया क्या होता है। अब पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, क्या पोलिंग क्या होता है, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब पोलिंग क्या है, यानी कि वोट्स देने जाने आते हैं हम। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था वोटर लिस्ट, यानी कि जैसे अब 18 साल का हो गया बच्चा, 18 ईयर्स का हो गया बच्चा, ठीक है, 18 ईयर्स का हो गया बच्चा, तो वो कहाँ जा रहा है, वोटिंग करने का जा रहा है, क्या, वोटिंग करने जा रहा है, या कह सकते हैं पोलिंग करने जा रहा है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पोलिंग करने जा रहा है, ये कह सकते हैं कि 18 साल का बच्चा हो गया, अब वो किसके लिए आ गया, वोटिंग देने के, और पोलिंग करने के लायक हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो ही जो बच्चा है, अब ये जो 8 ईयर का बच्चा है, वो वोटिंग के लायक हो गया। अब क्या पता वो 25 साल का हो जाए, तो क्या हो गया है कि उसने वोट उसे देंगे लोग, है ना, हो सकता है ना, पर ये वोट डालने जा रहा है, पर ये जाते कहां है, वोट डालने जाने हैं ये पोलिंग बूथ में, पोलिंग बूथ कहां, पोलिंग बूथ में जाते हैं। अब इसके बाद जो आता है, ये पोलिंग बूथ आता है, यानी कि 8 साल का बच्चा है, वो वोटिंग डालने जा रहा है, कहां जा रहा है, पोलिंग बूथ में, ठीक है, ये हुआ। अब ये पोलिंग बूथ में क्या होती है, यहाँ पे वोटिंग कही जाती है, ये ऐसी जगह होती है ना, अब ये क्लियर हुआ। और काउंटिंग ऑफ वोट, यानी कि जितने भी वोट्स डल गए, अब जितने भी वोट्स आए, उन्हें क्या करा जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। सो इसे कहते हैं काउंटिंग ऑफ वोट। और जिसके वोट ज्यादा हुए, जिसके वोट ज्यादा होते हैं ना, जिसके वोट ज्यादा हुए, वो ही क्या बन जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, राइट। अब ये क्लियर हो गया पोलिंग एंड
काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब इसके बाद आता है हमारा व्हाट मेक इन इलेक्शंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी कि हमारे जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं हम उन्हें कैसे डेमोक्रेटिक बनाते हैं। आपको तो पता ही है कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ही होते हैं, क्योंकि क्या कि क्योंकि क्या है कि यहाँ पे क्या है, सबको वोट देने का अधिकार है। क्यों डेमोक्रेटिक है? क्योंकि यहाँ पे सब मैन एंड वुमेन सब दे सकते हैं वोट, मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन दोनों ही वोट दे सकते हैं, ठीक है, मैन और वुमेन दोनों ही वोट दे सकते हैं। पर क्या है कि मैन और वुमेन तो दे सकते हैं वोट, पर बच्चा भी दे सकता है, चिल्ड्रन भी दे सकते हैं, चाइल्ड दे सकता है, पर वो 18 ईयर का हो गया तो देगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया क्या है, इसमें यहाँ पे जो होते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। इसलिए क्या होते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ही होते हैं। अब हमने कैसे बनाएंगे, सो उसका जो फर्स्ट टॉपिक आता है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये आता है। अब ये क्या है इलेक्शन कमीशन, इसमें कुछ कमीशन होती है इलेक्शन कमीशन में, अब उन्हें क्लियर करते हैं। इलेक्शन कमीशन यानी कि ईसी भी कहते हैं, ईसी यानी क्या, इलेक्शन कमीशन, राइट, ये हुआ। इसके बाद क्या आता है इसमें, अब ईसी के कुछ पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, सो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है ईसी का, सो उसे देखते हैं। ईसी यानी कि मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। सो क्या होता है कि ये फर्स्ट है ईसी टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट टू कंडक्ट एंड कंट्रोल अनाउंसमेंट कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि ये जो ईसी होता है ये ऐसे डिसीजन लेता है जो कि होते हैं एस्पेक्ट होते हैं, किसके लिए, कंडक्ट के लिए और कंट्रोल करने के लिए, किसको, इलेक्शन को, फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, जो इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट होता है उनके जो इलेक्शन फिर जो होते हैं उन्हें कंट्रोल और कंडक्ट करने के लिए एक्सपेक्ट करता है कौन, ये हमारा ईसी जो है, ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है। टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फिर ये और क्या, किसके लिए करता है, टू किससे करता है ये, किसकी हेल्प से, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, उसके जो रिजल्ट आते हैं उनके डिक्लेरेशन की वजह से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा द इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट, यानी कि इट इम्प्लीमेंट्स यानी कि इम्प्लीमेंट्स करता है द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश, जो कोड होते हैं कंडक्ट के और पनिश के, उन्हें क्या करता है, इम्प्लीमेंट देता है, ठीक है। एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट, और जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं और पार्टीज होती हैं वो क्या करते हैं, इसे वो वायलेट्स करते हैं इसे, ठीक है, वायलेट्स करते हैं, ठीक है। अब ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, थर्ड है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अस एंड माइजस ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इकेनिक इनहेंस इट चेंज टू विन इलेक्शन और ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि ये जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, ये जो ईसी होती है ये ऑर्डर देती है गवर्नमेंट टू फॉलो, क्या फॉलो करने का, क्या फॉलो करने का, सम गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस होती है उन्हें फॉलो करने का ये ऑर्डर देती है, कब, इलेक्शन टाइम जब होते हैं, कौन, ईसी, ठीक है, टू प्रिवेंट यूज एंड माइजिस ऑफ गवर्नमेंटल पावर, किसके लिए, जो यूज होते हैं यानी कि जो प्रिवेंट यूजेस होते हैं यानी कि जो आने वाले यूजेस होते हैं उनके लिए, और मीजस जो होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, गवर्नमेंटल पावर के, टू इनहेंस इट्स चेंज टू विन इलेक्शन, किसके लिए और किसके लिए करता है ये, जब, किसके लिए, जो इलेक्शंस में जो उनकी पार्टी है वो जीत सके, है ना, ठीक है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट, ये इलेक्शंस की ड्यूटी भी होती है, जो ये होती है गवर्नमेंट के ऑफिसर जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं किसके ऑर्डर पे, किसके कंट्रोल पे, किसके ऑर्डर पे, किसके कंट्रोल पे,
ईसी के, ना ही गवर्नमेंट के ऑर्डर पे नहीं, ईसी के, ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन के, राइट। अब ये क्लियर हो गया, इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन, यानी कि जो इंडिया में जो पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन क्या है, ठीक है, पार्टिसिपेशन वो क्या है, चलिए आइए देखते हैं। क्या है कि ये जो है कि अब मान लिया कि सो फर्स्ट है, फर्स्ट कितने पार्टिसिपेशन होते हैं, पहले फर्स्ट जान लेते हैं क्या है कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है टर्न आउट वोट क्या है, ये वोट टर्न आउट क्या है। ये मान लिया कि जैसे इंडिया है हमारा, इंडिया और यूके के बीच में बात करते हैं, सो ये 1991 ईयर में 2005 ईयर तक होता है ना। तो यूके जो होता है ना वो 78 के आसपास होते हैं टर्नआउट वोट, यानी कि वोट कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं, कैसे वोट बढ़ते हैं और कम घटते हैं, सो ये 78, फिर जब डाउन जाते गए सो कहां तक आ गया, 61 तक, और हमारे इंडिया में 56 से 58 तक, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, 78 से 61 यहाँ आएगा, 78 से 61 तक और 56 से 58, गलत लिख दिया था, ठीक है। ये हमारे इंडिया की बात और ये यूके की बात, ये 1991 से 2005 तक की बात थी, ठीक है। अब फिर टर्नआउट वोट ही देखेंगे हम, वो किसके, सोशल ग्रुप पे। अब इंडिया है एक तरफ भी, फिर दूसरी तरफ यूएस है, तो इंडिया में जो हुए थे कब की, ये भी 2004, ये कब तक की, 2004 तक जब आए थे वो, 2004 की बात कर रहे हैं, यानी कि पहले से 2004 तक की अब बात करी जा रही है 2004 में। सो क्या है कि इंडिया में पहले कब थे, 56 से 61 तक, और इसमें 28 से 16 तक। सो पहले जो इसके जो क्या थे टर्नआउट वोट थे यूएस के सोशल ग्रुप पर, वो क्या थे, पहले 28 थे, फिर 60 पहुंचे, 60 तक आ गए, इनके बीच में भी आए हैं, अब इनके भी बीच में आए हैं, है ना। पर क्या थे, इंडिया में पहले भी ज्यादा थे, फिर बढ़ते बढ़ते भी ज्यादा गए 2004 ईयर तक। अब ये हो गया, अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें, यानी कि क्या क्या डिफरेंसेस है वोट डालने के, अब ये देखेंगे। तो मान लिया कि इतने परसेंट है, ये 15%, ये 18%, ये 67%, सो 100% में से ये जो आते हैं, ये आते हैं हैज इफेक्ट, जिन पर इफेक्ट हुआ है, और जी आते हैं नो इफेक्ट, इन पर इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और ये जो आते हैं ये डोंट नो, इन्हें पता ही नहीं, डोंट नो यानी कि इन पर इफेक्ट, यानी कि इन्हें वोट का डिफरेंस पता ही नहीं होता, है ना। सो इतने 100% में से ये सब आते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फोर्थ जो लास्ट बचा है वो क्या है, जो फोर्थ बचा है और लास्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है कि हमारा देखिए, अब जो इंडिया था उसमें 996 ईयर से 2004 ईयर तक कैसे गई, यानी कि कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ा। सो पहले 8, फिर 13 बढ़कर, फिर ईयर 1996 टू ईयर 2004, फिर 21 आया, फिर 32, ठीक है, पहले इतना था, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये समझ में आया पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये समझ में आ गया पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन क्या होता है। अब एस्पेक्टेंस ऑफ, अब क्या पढ़ेंगे हम, एस्पेक्टेंस ऑफ क्या पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम, ये पढ़ेंगे हम। सो इसमें इसके भी कुछ पॉइंट होते हैं, उन्हें भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जो टॉपिक आता है उसके भी कुछ पॉइंट है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। अब जो इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है क्या, एक्सपेक्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम के, इसका जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, द रूलिंग पार्टीज राउटिनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया,
बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, यानी कि जो रूल कर रही होती है पार्टी इंडिया में रूल कर रही है, उसके क्या लोज इलेक्शंस, यानी कि क्या उसके इलेक्शंस में जो रूलिंग कर रही है पार्टी उसके कम वोट आ रहे हैं ना। मान लिया हमने इन इंडिया, इंडिया में बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के स्टेट लेवल के हिसाब से, नेशनल और स्टेट लेवल में दोनों में, ठीक है। सो इन फैक्ट एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस, यानी कि वो क्या हुआ कि मान लिया कि 3 इलेक्शन हुए वो 2 में जीती वो पार्टी थी। हेल्ड इन लास्ट 15 ईयर द रूलिंग पार्टी लॉस्ट, यानी कि जो लास्ट क्या 15 ईयर्स बाद जो होंगे इलेक्शन उसमें क्या होगा, लॉस्ट होगा, लॉस्ट होगा वहां तक, ठीक है। इन यूएस, अब यूएस की बात चल रही है, इन द यूएस एंड इनकम्बेंट, इनकम्बेंट यूएस में क्या है, इनकम्बेंट है और सिटिंग है, सिटिंग यानी कि सेटिंग, सेटिंग है किसकी, इलेक्शंस की, रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉसेस एंड इलेक्शंस, जब इलेक्शंस होते हैं ना जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां पे तो वो क्या होते हैं, लॉस, उनका घाटा होता है, ठीक है, ठीक है। अब इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ सिटिंग एमपी और एमएलए लॉस इलेक्शंस, यानी कि ये जो होते हैं कि इंडिया में क्या होते हैं एमपी और एमएलए जो होते हैं उनका वो लॉस इलेक्शंस में होता है। एमपी बताया था ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब थर्ड थर्ड आता है कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी बाय बाइंग वोट्स, यानी कि ये जो कैंडिडेट होते हैं हु आर नोन एज, जिन्हें कहा जाता है स्पेंट ऑफ बाइंग एंड वोट, बाइंग वोट्स, यानी कि जिन्हें कैंडिडेट को कहा जाता है जो कैंडिडेट जीते हैं वोट्स, है ना, वोट्स ज्यादा आया मतलब, एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लॉस इलेक्शन, लॉस इलेक्शन जो है मतलब कि उनके ज्यादा वोट आया तो उन्हें क्या कहा गया, क्रिमिनल्स कनेक्शन, वो क्रिमिनल से कनेक्शन कर रहा है मतलब उन्होंने। फिर फोर्थ पॉइंट जो आता है बारिंग बेरिंग वेरी फ्यू डिस्पटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम आर यूजली एक्सपेक्ट एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफेटेड पार्टी, यानी कि जो डिस्पटेड इलेक्शंस होते हैं किसके, इलेक्टोरल आउटकम जो होती है, इलेक्टोरल आउटकम के डिस्पटेड जो डिस्पटेड इलेक्शंस जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड एज प्यूपिल वर्डिक्ट, वो क्या होते हैं, प्यूपिल जो होते हैं वो प्यूपिल वर्डिक्ट पे होते हैं, है ना। अब जो प्यूपिल वर्डिक्ट में किसको होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, जो डिफेटेड पार्टी होती है ना उसके। अब जो हमारा पार्ट, जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, लास्ट टॉपिक आता है हमारा चैलेंज टू फ्री और फेयर इलेक्शंस, क्या चैलेंज बताया गया है इसमें, टू फ्री और फेयर इलेक्शन, किसके, फ्री और फेयर इलेक्शन पे चैलेंज बताया गया। अब देखिए क्या है, तो इसमें भी फ्री और फेयर इलेक्शन के पॉइंट्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। आइए, कैंडिडेट एंड पार्टी विद ए लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट they do enjoy a big and unfair advantage over small parties and independents, यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं और पार्टीज होती हैं विद ए लॉट ऑफ मनी, उनके पास जो कैंडिडेट होते हैं और जो पार्टीज होती हैं लॉट ऑफ मनी, उनके पास मनी होती है ना होती है, मे नॉट श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, पर वो श्योर नहीं होते हैं उनकी विक्ट्री से, जब उनकी विक्ट्री होती है तो, बट दे डू एंजॉय, पर वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं एक बिग और अनफेयर एडवांटेज ओवर ए स्मॉल पार्टी एंड इंडिपेंडेंस, किसके, किसके हिसाब से, यानी कि वो एंजॉय करते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं एक बिग और अनफेयर एडवांटेज को, ठीक है, ओवर स्मॉल पार्टीज, किसके मुकाबले, ओवर स्मॉल पार्टीज जो होती है ना उनके मुकाबले, और जो इंडिपेंडेंट जो होते हैं उनके, ठीक है। फिर है इन सम पार्ट ऑफ कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेस एंड टू श्योर टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज, यानी कि जो कुछ पार्ट होते हैं कंट्री के, कुछ पार्ट ऐसे भी हैं हमारी कंट्री के जो कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन, जो ये कैंडिडेट्स होते हैं उनका कुछ क्रिमिनल से कनेक्शन होता है ना, हैव बीन एबल टू पुश अदर, और वो दूसरों को पुश करते हैं यानी कि हटा देते हैं, आउट करते हैं, बाहर करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल रेस, यानी कि इलेक्ट्रल रेस जो होती है, इलेक्ट्रल रेस यानी कि इलेक्शन की रेस जो चल रही होती है, और वो खुद जीत जाते हैं, ठीक है। और सम फैसिलिटीज, अब थर्ड वाला आता है सम फैसिलिटी, फैमिलीज टेंड टू
डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या है, टिकट आर डिस्टर्ब टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिली, यानी कि इसमें क्या कह, टिकट जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज, उनके जो फैमिलीज होती हैं उनके वो क्या लेते हैं, टिकट लेते हैं। ठीक है, टिकट लेना पड़ता है, मैंने आपको बताया था ना पार्टी टिकट लेना पड़ता है। ठीक है, वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनेटरी सिटीजन्स, यानी कि वेरी ऑफन इलेक्शंस, ये जो वेरी ऑफन इलेक्शंस होते हैं ओवर लिटिल चॉइस, पर यहाँ क्या होता है ऑफर इलेक्शंस होते हैं क्योंकि यहाँ लिटिल चॉइस होती है किस चीज की, ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो होते हैं उनसे जो होती है वो लिटिल चॉइस होती है। फॉर बोथ द मेजर पार्टी आर क्यूट क्वाइट, जो जितने भी हम मेजर पार्टी होती है वो क्वाइट यानी कि चुप हो जाती है ना, सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी कि किसके हिसाब से, जो जितने पॉलिटिक्स हैं और प्रैक्टिस करते हैं उसमें जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं वो चुप हो जाती हैं, मतलब छोटी पार्टी चुप हो जाती है। ठीक है, अब सिमिलर पार्टी स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अब स्मॉलर पार्टी जो होती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं ना वो सफर ए युग डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी, वो क्या करते हैं बड़ा डिसएडवांटेज क्या करते हैं सफर करते हैं किसके मुकाबले, जो बिग पार्टीज होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब इसमें क्या बताया मैंने आपको, इसमें इंडिया का कैसे, इंडिया में कैसा डेमोक्रेटिक क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं, तो इतने सारे टॉपिक में इतने सारे हमने पॉइंट पढ़े, तो उन्हें अच्छे से समझना आप, है ना, सो आपको पता चल जाएगा कि इन इन पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स थे कि कैसे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बने हमारे इंडिया में, राइट। सो ये इतने थे आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय।